हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के में पॉइंट नंबर 9, जो कि रहेगा नॉन रिजिड रोटर। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस पॉइंट नंबर 8 या पॉइंट नंबर 1 टू लेके पॉइंट नंबर 8 तक सारे हम स्टडी कर चुके हैं, और आज ये लास्ट आपका पॉइंट है। ये लेक्चर नंबर 7 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन रिजिड रोटर। देखिए, रिजिड रोटर एंड नॉन रिजिड रोटर में डिफरेंस क्या होता है कि रिजिड रोटर में कोई एटम से ए एटम एंड बी एटम, इनके बीच की एक लेंथ है जो कि आपके पास रहेगी आर। अगर ये बॉन्ड आपका रिजिड है तो इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन, किसी भी टाइप का रोटेशन हो, इसमें बॉन्ड लेंथ किसी भी टाइम चेंज नहीं होगी। मीन्स डेल्टा आर आपकी जीरो रहेगी। कब? जब ये रिजिड बॉन्ड है। कब? रिजिड बॉन्ड। और ऐसे हम रोटेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रोटेशन को हम कहते हैं रिजिड रोटेशन। रिजिड रोटर भी बोलते हैं इसे, रोटर और रिजिड रोटेशन। अगर किसी कारणवश इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन ए एटम और बी एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ आर है, इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन अगर ये बॉन्ड लेंथ चेंज होती, इट मीन्स डेल्टा आर नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, कुछ ना कुछ वैल्यू अगर डेल्टा आर की आती है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कहलाता है आपके पास नॉन रिजिड बॉन्ड कहलाता है। और इस रोटेशन को हम बोलते हैं, या रोटर को बोलते हैं, नॉन रिजिड रोटर बोलते हैं। ओके, तो इसी के बारे में स्टडी करना है कि इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन अगर बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाए तो बॉन्ड रोटेशनल कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या रहेगी। ओके, बॉन्ड डिस्टोर्शन या सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन एवर रोटेशन बिकम वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेशन है, तो बॉन्ड लेंथ चेंजेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो चेंजेस, एंड देयर फोर बी वैल्यू, यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट वैल्यू आल्सो चेंजेस, सच अ रोटेशन कॉल्ड नॉन रिजिड रोटेशन। अगर आपके पास आर की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेगी तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका डिफ्रेंशिएट करेगा, दिस पर्टी स्पीसीज भी डिफ्रेंशिएट करेगा और बी की वैल्यू भी डिफ्रेंशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रुप में लिया है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ HF मॉलिक्यूल इज, आपके पास रहेगा इसके कुछ रोटेशनल स्पेक्ट्रा के पीक्स दे रखे, J0 एंड J1। अब अगर 0 to 1 रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस समय जो हमें लाइन मिलती है वो 20 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगी। ओके, 2B की वैल्यू कितना है, 20। अगर J1 to 2 की बात करें तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि अगर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो दो सक्सेसिव लेंस के बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी आनी चाहिए आपके पास, हमने बताया था वो आपके पास रहेगी 2B, और इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्दर पीक्स यानी हायर रोटेशन के ऊपर पीक चेक करूं, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जब J10 to 11 के बीच में ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में 2B की वैल्यू आ गई आपके पास 19.99 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि 20 सेंटीमीटर से लेस है। इसी टाइप से 11 to 12 के बीच में ट्रांजिशन पर आपके पास 2B की वैल्यू 19.85, एंड 12 to 13 एनर्जी लेवल के बीच ये वैल्यू आ रही है 19.38। इट मीन्स वैल्यू आपका ओवरऑल डिक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू फास्ट रोटेशन, ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये सारे पॉइंट हम देख सकते हैं। तो फ्रॉम अबव, देखिए स्टेटमेंट क्या बनता है कि फ्रॉम अबव स्पेक्ट्रा इट इज क्लियर डैट फॉर द हायर रोटेशनल स्टेट द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेज एंड द आर इन आर इंक्रीजेज। ओके, आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वैल्यू ऑफ बी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हमने ये भी देखा है कि किसी भी
राउंड शेप वाले बॉल को जब आप बहुत फास्टली उसको रोटेट कराते हो तो वो चपटा होता जाता है, मीन्स वो उसके वर्टिकली वो आपका पास आता जाता है और उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट कराते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। लाइक ये जो फिनोमिना है वो अर्थ के मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि सॉरी अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं उस पर वो भी इस फिनोमिना को फील करता है। जब अर्थ जितनी फास्टली आपका रोटेट करेगा वो इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर आता जाएगा, मीन्स वो दबेगा, फुली गोल नहीं रहेगा, वो दबता जाएगा, चपटा होता जाएगा। ओके, तो रोटेशन टेक प्लेस विथ चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड बिहेवियर ऑफ रोटेशन इज नॉन रिजिड। नॉन रिजिड बिहेवियर इज ऑब्जर्व विथ इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम। जितना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा नॉन रिजिड बिहेवियर आपको ज़्यादा शो होगा। फिर आपके पास पॉइंट है, व्हेन मॉलिक्यूल रोटेट द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होता है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। इसके कारण ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, इस वर्ड को याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड एक सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कॉन्स्टेंट भी रहता है। ओके, फिर आपके पास पॉइंट है, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन ऑन अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल इज टू स्ट्रिच द बॉन्ड एंड हैंस द इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्या होता है? स्ट्रेच होता है, बॉन्ड के बीच में स्ट्रेचिंग होती है जब भी ये रोटेट होता है। जैसे दो एटम इसके बीच में ये सिस्टम रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, इन दोनों मास के कारण एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। मास अगर ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, तो इससे इसके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसमें एक स्ट्रेचिंग बनेगी। स्ट्रेचिंग बनेगी तो आपका बॉन्ड स्ट्रेच होने का इंक्रीज होगा और सिस्टम आपका चपटा होता जाता है। ठीक है, तो इसे यही आपका एक डिस्टोर्शन जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। दिस वन इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन रोटेशनल कॉन्स्टेंट ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि रोटेशनल कॉन्स्टेंट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया के, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो वो रहेगा म्यू आर स्क्वायर। ओके, तो आर मीन्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा इट मीन्स बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आर आपका इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन इज यूजुअली टेकन इनटू अकाउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग अ टर्म फ्रॉम एनर्जी एंड रिटर्न एज। ठीक है, एक टर्म को आप एनर्जी में से घटाते हो तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है, डी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट आप कर पाओगे, जिसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट, और ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म रहता है। मीन्स अगर मैं जे क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी पूछूं तो वो रहेगा आपका ई जे इक्वल्स टू बी, सॉरी सिंपली इस टाइप से लिखते हैं, अगर ई जे इक्वल्स टू जे जे प्लस वन इंटू बी, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर इन्वर्स में नॉर्मल सिस्टम के लिए। अगर मैं नॉन रिजिड सिस्टम के लिए पूछ रहा हूँ तो वो हो जाएगा आपका, एक टर्म आपको सब्सट्रेट करना पड़ेगा, कौन सा, डी माइनस डी से मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, डी इंटू जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर, और ये पूरा सिस्टम है सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटू जे जे प्लस वन माइनस डी इंटू जे स्क्वायर प्लस सॉरी जे स्क्वायर इसमें जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर। तो जो हमने टर्म सब्स्ट्रेट किया है जिसमें जो डी है वो डी जो है वो रिप्लेस्ड बोल सकते हो, उस रिप्लेस्ड फेस ऑफ बी है आपका, बी का दूसरा रूप आपका डी है,
यानी कि बी के टर्म में सिर्फ बी ही को घटाएंगे, तो जो डी है क्या है, वो एक बी का एक सेकेंड फेस है, सेकेंड रूप है, तो डी इंटू जे स्क्वायर माइनस सॉरी जे स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस वन का होल स्क्वायर। और डी क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट का एक अदर रूप है ये, अदर रूप को बोलते हैं फेस, अलग अदर फेस है सेंट्रीफ्यूगल रोटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन अब हम उसे ड्यू टू डिस्टोर्शन उसे अदर नेम से जानते हैं, अदर नेम बोल सकते हैं, अदर नेम है उसका, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कैसा रहता है ये, स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। और डी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू वाइब्रेशनल वेव नंबर ऑफ द बॉन्ड। अब ये वाइब्रेशनल वेव नंबर रहेगी आपकी वी, वी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और डी की वैल्यू अगर कोई पूछता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो वो आपके पास रहता है डी इक्वल टू 4 बी की पावर 3 अपॉन न्यू बार का स्क्वायर, और दिस आपका न्यू बार आपका एनर्जी टर्म हो गई, बी आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट हो गया और डी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन रोटेशनल कांस्टेंट आपके पास रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। तो बी क्या आपके पास एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, और एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। अब देखिए होगा क्या, मुझे पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी न्यू, अगर मैं देखूँ न्यू की वैल्यू हमारे पास रहती है नॉर्मली न्यू यानी वेव नंबर या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन द वेव नंबर 1/2πc अंडर रूट के अपॉन म्यू रहता है। अगर मैं न्यू का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आएगा 1/4πस्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के अपॉन यू म्यू, इसे मैं इक्वेशन नंबर नाम देता हूँ 4। और जो प्री रिटर्न न्यू है 1/4πc इसे मैं क्रॉस मारता हूँ, ओके दिस वन इज क्रॉस। जो मेरे पास बी है एच अपॉन 8π² आई सी, एच अपॉन 8π² अगर आई की जगह मैं म्यू आर स्क्वायर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, और सिंपली और अगर मुझे बी क्यूब की बात करनी है तो वो रहेगा एच क्यूब अपॉन 8 का क्यूब पाई स्क्वायर का क्यूब 6 पावर 6 होगा आई की पावर 3 एंड सी की पावर 3, इसे इक्वेशन नंबर में नाम देता हूँ 3। अब इक्वेशन 3 एंड 4 से मैं क्या करूँगा, बी क्यूब एंड न्यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँ, तो डी की वैल्यू मेरे पास जो आएगी उसे मैं देखता हूँ, डी मेरे पास रहेगा और पहले से फॉर्मूला के अंदर बी क्यूब मीन्स एच क्यूब अपॉन 8 का आपका है क्यूब मल्टीप्लाइड पाई टू द पावर 6 आई क्यूब सी क्यूब, और इसी का नीचे था न्यू स्क्वायर, और न्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा मैं, वो मेरे पास वैल्यू थी दिस वन 1/4πc, तो यानी कि न्यू स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 1 × k हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के, और फिर इसका नीचे 4π² c² म्यू ये जो भी टर्म्स आ रही है वो वापस ऊपर चले जाएगी, तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4π² c² × μ, ओके। अब देखिए होगा क्या, दिस 4 × 4 कितने हो गए 16, दिस वन इज एच क्यूब, और यहाँ पे देखिए क्या करता है पाई स्क्वायर टू पाई टू द पावर 6 को मैं पाई टू द पावर 4 बार काट सकता हूँ, सी स्क्वायर एंड सी टू द पावर क्यूब को सी से मैं काट सकता हूँ, तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी 4 × 4 = 16 एच स्क्वायर म्यू अपॉन 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 8 × 8 मल्टीप्लाइड पाई टू द पावर 4 आई क्यूब एंड सी। आप देखिए 16 को अगर मैं 8 से डिवाइड दूँ तो 2 × 8 = 1, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और मेरी मुझे पता है
कि एच स्क्वायर इंटू यू क्या होगा, एच क्यूब है ये, नॉट स्क्वायर, एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाय म्यू अपॉन 8 4 जा 32 मल्टीप्लाइड पाई की पावर 4 मल्टीप्लाइड आई टू द पावर 3 इंटू सी। तो ये बना मेरा डी, डी की वैल्यू एक तो मेरे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है कि इस ये वैल्यू आपके इसके साथ को रिलेट कर रही है लाइक दिस वन, ठीक है, के भी कहीं पे था, के को भी मुझे इग्नोर किया मैंने, यहाँ पे के लिखना पड़ेगा, दिस वन इज के, तो यहाँ पे भी के आएगा, दिस वन इज के, ओके। दूसरी क्या है कि अगर मैं इस आई एक आई को म्यू स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या बनेगा, एच क्यूब म्यू अपॉन 32 पाई टू द पावर 4, एक आई को मैंने रिप्लेस किया म्यू इंटू आर स्क्वायर से, बाकी के आई स्क्वायर एच दिस सी इंटू के, तो ये म्यू से म्यू कैंसिल, तो नीचे क्या रहेगा मेरे पास, जो नीचे टर्म रहेगी उसे मैं देखता हूँ लाइक दिस वन, वो रहेगा आपके पास एच क्यूब अपॉन 32 पाई टू द पावर 4 आर स्क्वायर आई स्क्वायर एंड सी एंड के, ये आ गया मेरा डी, ये सेकंड टर्म या सेकंड रिलेशनशिप दिस वन, ये आपके पास दिस वन है, ओके। यहाँ पे आर स्क्वायर भी आएगा तो दिस वन आर स्क्वायर, तो ये थे आपके पास टू रिलेशनशिप डी के, और मेन टॉपिक था सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल रिलेटेड टू वाइब्रेशनल वेव नंबर ऑफ द बॉन्ड। तो छोटी सी गलती की वजह से या कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, यहाँ भी जो प्री रिटर्न नोट है ये 16 लिखा हुआ होना चाहिए, दिस वन इज 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर के अपॉन म्यू, सॉल्व करने पे ये आएगा, काफ़ी सिंपली यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फॉर एच एफ मॉलिक्यूल द रोटेशनल कॉन्स्टेंट इज 10 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है, एंड वाइब्रेशनल वेव नंबर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये आपको दे रखी है वाइब्रेशनल वेव नंबर न्यू बार, देन कैलकुलेट सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कॉन्स्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा आपका, सॉल्यूशन सिंपली आपका स्टार्ट होगा बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स न्यू बार 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी का फॉर्मूला होता है 4 इंटू बी क्यूब अपॉन न्यू बार का स्क्वायर, तो दिस 4 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 1000 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का क्यूब 1000, 1000 का स्क्वायर 1000 इंटू 1000, तो दिस 1000 तो दिस 1000 कैंसिल, 4 अपॉन 1000, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये आपके पास रहेगी यूनिट इसकी जो रहेगी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगी, ओके दिस वन इज सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी के ऊपर है, देख लेते हैं। फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ एच बी आर द कॉम्प्लीट रोटेशनल रिलेशनशिप इज, रोटेशनल रिलेशनशिप इसने पूछा है, दिया है कंप्लीट रोटेशनल रिलेशनशिप ई जे इक्वल टू 8j j+1 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड j j+1 का होल स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रोटेशन करता है तो उस कंडीशन में j लेवल की एनर्जी को इस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें जो आपका सेकेंड सब स्ट्रेक्टिंग जो पोर्शन है उसका जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है दिस वन, वो आपका रहता है d के बराबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डी एंड न्यू, यानी कि वाइब्रेशनल, तो मुझे इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ई जे की ये रहेगी बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे जे प्लस वन का होल स्क्वायर, इससे मुझे क्या करना है कंपेरिजन करना है, दिस इज स्टैंडर्ड आपका है, सॉल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। फॉर अ नॉन रिजिड, मैं लिख सकता हूँ फॉर नॉन रिजिड रोटर एनर्जी ऑफ जे लेवल क्या रहता है आपका, दिस वन ई जे इक्वल टू बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे जे प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर। तो कंपेयर कीजिए, तो बी की वैल्यू इस
फर्स्ट स्टेप में आगे कांस्टेंट क्या 8, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर इनवर्स डी की वैल्यू। सेकंड जो टर्म है उसके अंदर जो फर्स्ट आपका वैल्यू है वो आपका रहेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर क्या पूछा है इसने, और डी की वैल्यू को मैं और कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट का फॉर्मूला रहता है 4 इंटू वी क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर। तो मुझे d पता है b पता है तो न्यू स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी क्यूब अपॉन डी। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास आएगा दिस 4 दिस d की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू बी की वैल्यू 8 टू द पावर 8 की पावर क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले गया, ओके तो 4 इंटू 8 का क्यूब अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसे कट करके देखिए क्या आएगा आपके पास, 4 इंटू 8 का क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 8 का क्यूब आपका और ये आपका रहेगा 10 टू द पावर माइनस 8 को ऊपर ले जाइए तो 10 टू द पावर प्लस 8 होगा, और स्क्वायर का मैंने लिया स्क्वायर रूट तो ये लग गया मेरा राइट साइड में स्क्वायर रूट। तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर रूट 8 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 8 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर स्क्वायर का 10 स्क्वायर का ही आप बाहर ले सकते हो ना, तो आपके पास रहेगा दिस 10 स्क्वायर का अंडर रूट 10 बाहर आ जाएगा, दिस इट मीन्स 8 इंटू 10 और ब्रैकेट में रहेगा 8 इंटू 10, ये हो गया 18 रूट 80। ओके अब रूट 80 की जो भी वैल्यू होगी 8.9, तो 80 को 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू बार आएगी आपके पास 712 सेंटीमीटर इनवर्स। ये था आपका वाइब्रेशनल वेव नंबर, वाइब्रेशनल वेव नंबर जो हमसे पूछा है, वाइब्रेशनल वेव नंबर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई जो मेन नॉन रिजिड रोटर के लिए एनर्जी लेवल है फॉर दिस नॉन रिजिड रोटर, एनर्जी नॉन रिजिड रोटर के लिए एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट डी इक्वल टू 4 बी क्यूब अपॉन न्यू बार स्क्वायर, और यहाँ पर है न्यू बार जो आपको देखा 1 अपॉन 2 पाई सी रहेगा, दिस इज नॉट 4 दिस इज 2 पाई सी, 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू, और बी आपके पास रहेगा बी इक्वल टू एच अपॉन ए पाई स्क्वायर आई सी, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ओके इसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। द बी वैल्यू ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल इज 10.00 सेंटीमीटर इनवर्स, मीन 10 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर जे इक्वल टू 0 टू जे इक्वल टू 1, यानी जे इक्वल टू 0 टू 1 में ट्रांजिशन के लिए इसने दिया है। फॉर जे इक्वल टू 10 टू जे इक्वल टू 11 के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, तब इसने बोला कि बी प्राइम की वैल्यू रही 9.8 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक ही मॉलिक्यूल के लिए टू अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच रोटेशनल हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि बी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो बी की वैल्यू डिफरेंट कब आती है, जब रोटेशन या रोटर जो रहता है आपका नॉन रिजिड रोटर है। तो पहला तो मुझे पता चल गया सिस्टम नॉन रिजिड रोटर, अगर सेम रहता है तो दो सक्सेसिव लाइंस के बीच एनर्जी गैप सेम आती है, यानी जे इक्वल टू 10 टू जे इक्वल टू 11 के बीच जो एनर्जी गैप है वही एनर्जी गैप आपका रहता जे इक्वल टू 0 टू जे इक्वल टू 1 के लिए। ओके यानी पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए बी की वैल्यू सेम रहती रिजिड रोटर में, लेकिन नॉन रिजिड रोटर। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंट चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, और ऐसा क्यों होता है नॉन रिजिड रोटर में, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन आपका बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। ओके इसलिए ये ऐसा होता है। तो परसेंट बॉन्ड लेंथ पूछिए, तो परसेंट बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, चेंज इन बॉन्ड लेंथ फिर उसका
कंपैरिजन करेंगे इनिशियल बॉन्ड लेंथ से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंट बॉन्ड लेंथ आएगी, मीन्स मुझे इसकी वैल्यू पूछिए। तो मैंने डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ले लिया कि भाई मेरे पास एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका मास m1 m2 है, m1 की जगह h लिखिए, m2 की जगह f, और बीच में बॉन्ड लेंथ r है। अब b की वैल्यू दे रखिए 10 फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 1, और b प्राइम है सेकंड ट्रांजिशन j इक्वल टू 10 टू 11। अब मुझे पता है रिलेशन से कि b क्या रहता है आपका, b रहता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ओके, मींस जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i है, मींस i की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, यानी कि b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया कि नॉर्मल b जो रहता है आपका 1 अपॉन r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक है नॉर्मल b और एक है b प्राइम की बात करूँ तो वो रहेगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r प्राइम का स्क्वायर। ओके, r प्राइम का स्क्वायर, तो b नॉर्मल में b प्राइम को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा r प्राइम अपॉन r का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया r प्राइम अपॉन r का होल स्क्वायर। अगर मुझे डेल्टा आर फाइंड करना है तो डेल्टा आर कैसे फाइंड हो सकता है, देखिए डेल्टा आर जो आपके पास रहेगा वो आर प्राइम माइनस आर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि आर प्राइम अपॉन आर में से माइनस वन करूँगा लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी मुझे माइनस वन करना पड़ेगा। और सबसे पहले बी अपॉन बी प्राइम इक्वल्स टू आर प्राइम अपॉन आर का होल स्क्वायर है, तो r प्राइम अपन r या फिर मैं इस पूरे सिस्टम का स्क्वायर रूट लू, स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आएगा r प्राइम अपन r इक्वल टू अंडर रूट b अपन b प्राइम। तो r प्राइम अपन r में से एक घटाऊंगा तो राइट वाले स्टेप में से भी एक घटाना पड़ेगा। अब मैं एलसीएम कितना आएगा इसका r, तो ये रहेगा r को r से डिवाइड करूँ 1, 1 इंटू आर प्राइम आर प्राइम, r को 1 से डिवाइड करूँ तो r आएगा r इंटू 1 r, तो r प्राइम माइनस r कितना हो गया डेल्टा r, तो दिस वन डेल्टा r अपॉन आर इक्वल टू रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस आर, ठीक है सॉरी रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस आर नहीं है, वो ओनली वन है, यहाँ पे अभी ओनली वन आएगा। डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस वन। अब मुझे बी और बी प्राइम दोनों की वैल्यू आपको दे रखी थी, नॉर्मली b की वैल्यू है 10, b प्राइम की वैल्यू 9.8। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है आपके पास 10 और b प्राइम की 9.1, ये ब्रैकेट यहीं तक खत्म है, ओनली दिस वन। तो 10 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.01। ओके, और फिर इसका अंडर रूट भी लेंगे तो समथिंग आपके पास ये ब्रैकेट में, मुझे परसेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी इसलिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे स्टेप को, तो ये 100 से मल्टीप्लाइड परसेंट वैल्यू के लिए, और ये यहीं पे 10 को 9.8 से पहले किया मैंने डिवाइड, तो जो वैल्यू आई उसमें से 1 को घटाने पे मेरे पास आएगा 0.01, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1%। ओके, तो ये मेरे पास है परसेंट चेंज इन बॉन्ड लेंथ, परसेंट चेंज इन बॉन्ड लेंथ आपका आया 1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है इसी में से, फॉर ए मॉलिक्यूल ए बी रोटेशनल ट्रांजिशन एट लोअर जे वैल्यू इज ऑब्जर्व एट 10 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि लोअर जे वैल्यू के लिए 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, एंड इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 150 PM, और आर की वैल्यू भी इसने दे दिया 150 PM, और नॉर्मली लोअर जे के लिए बी की वैल्यू इसने दिया 10 सेंटीमीटर इनवर्स, विच बिकम 160 PM ड्यू टू नॉन रिजिड रोटेशन, कैलकुलेट रोटेशनल कांस्टेंट फॉर हायर ट्रांजिशन, यानी हायर ट्रांजिशन पे ये नॉर्मल थी लोअर ट्रांजिशन पे, हायर ट्रांजिशन पे मान लो कि वो हो गया आपकी बी प्राइम, हायर के ऊपर क्या हो गया बी प्राइम। ओके, तो हायर के ऊपर आर प्राइम की वैल्यू भी अलग आएगी। तो अभी अभी मैंने क्या रिलेशन देखा था कि जो आपका b अपॉन b प्राइम था वो आपका आ रहा था r प्राइम अपॉन r का होल स्क्वायर, ये आ रहा था आपका r प्राइम अपॉन r का होल स्क्वायर,
अगर मैं बात करूँ बी प्राइम की, या मैं इसको इन्वर्स कर दूँ, तो बी प्राइम अपॉन बी इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्राइम का होल स्क्वायर। तो बी प्राइम क्या आएगा आपका, बी प्राइम इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्राइम का होल स्क्वायर इंटू बी। और ये तीनों वैल्यू मुझे दे रखी है, आर की वैल्यू 150 पीएम है, आर प्राइम की वैल्यू 160 पीएम आपके पास गिवन है, आर प्राइम की वैल्यू 160 यानी कि हायर रोटेशन के ऊपर उसकी बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, ओके। और फिर क्या, देखिए नॉर्मली बी की वैल्यू सेंटीमीटर इन्वर्स में दी है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि बी की वैल्यू सेंटीमीटर इन्वर्स में है और आर प्राइम और आर की वैल्यू पीएम में, तो पीएम को पहले मुझे सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि 1 पीएम आपका रहता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, या फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पीएम के बराबर आएगा। तो 160 पीएम कितने के बराबर हो जाएगा, अगर बात करें 160 पीएम की बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, वो आएगा आपका सेंटीमीटर। इस टाइप से आर की जो वैल्यू थी, जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है किसके अंदर, इस फॉर्मूलास में जो यहाँ पे है, बी प्राइम आर, आर की वैल्यू आई 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ये तो आर की वैल्यू आई, और आर प्राइम 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इस पूरे का आपका था स्क्वायर। और बी की वैल्यू आपके पास, बी की वैल्यू जो है वो सिंपली गिवन है 10 सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में ही है, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो अब देखिए दिस 10 टू द पावर माइनस 10 से 10 टू द पावर माइनस 10 आपका कैंसिल था, 0 से 0 कैंसिल है, तो नहीं भी बदलते तो भी चलता, गलती कर दिया बदल के, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया आपके पास पहले ही। तो मेरे पास आया 15 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सिंपली मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कि आंसर कितना आएगा। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर भी लिखा हुआ है, आपके पास वैल्यू आएगी 225 अपॉन 256 मल्टीप्लाइड बाय 10, वो था आपके पास आएगा 0.87 इंटू 10, तो आपके पास आ गया 8.7 सेंटीमीटर इन्वर्स। कितना है, 8.7 सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी कि ये आ गई मेरे पास बी प्राइम की वैल्यू 8.87 सेंटीमीटर इन्वर्स, ओके। तो जब भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली आपकी बी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ये बी की वैल्यू आपकी 10 से कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, आपके पास क्या दे रखा है, दिस वन इज क्वेश्चन है कि 4 फास्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा बी वैल्यू ऑफ एक्स मॉलिक्यूल इज 20 सेंटीमीटर इन्वर्स, एंड व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी इफ इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इज 75% फ्रॉम स्लो टू फास्ट ट्रांजिशन। बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ में 75% का इंक्रीमेंट होता है जब हम स्लो रोटेशन से फास्ट रोटेशन के ऊपर जाते हैं या ट्रांजिशन करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का जो इंक्रीमेंट है परसेंट में, वो किस टाइप से सॉल्व रहता है आपका, तो चेंज इन बॉन्ड लेंथ परसेंट चेंज कैसे गिवन रहता है आपका, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, परसेंट चेंज जो है वो रहेगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, वो है आपके पास 75% चेंज, 75। तो और मुझे भी पता था कि ये रिलेशन भी हमने फाइंड आउट किया था कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 आपका रहता है अंडर रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस 1 इंटू 100, इस 100 से 100 तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में रखते हैं।
ये वैल्यू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 वो कितना है 75, यहाँ पे लिख लिया मैंने 75, और बी अपॉन बी प्राइम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जिसमें से बी की वैल्यू मुझे फास्ट रोटेशन पे आपका रहता है बी प्राइम, तो बी प्राइम की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की। तो दिस वन हमारे पास है अंडर रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस वन, तो मैं कहने क्या किया माइनस वन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, ओके 100 को मैंने इग्नोर किया क्योंकि ये परसेंट में था, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ, दिस सपोज इग्नोर नहीं 100 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड से मैं ले जाता हूँ, लाइक इस तरफ से रहेगा 75 अपॉन 100 इक्वल्स टू रूट बी अपॉन बी प्राइम माइनस वन। अब इस माइनस वन को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो प्लस में रहेगा, तो 75 अपॉन 100 प्लस वन इक्वल्स टू अंडर रूट बी अपॉन बी प्राइम। तो अब मैंने क्या लिखा है बी रूट रूट बी अपॉन बी प्राइम को पहले लिख दिया, तो रूट बी अपॉन बी प्राइम इक्वल्स टू 75 अपॉन 100 प्लस वन। अब एलसीएम ले लीजिए तो 100 और 1 का एलसीएम 100 ही आएगा, ओके तो वो आपका हो जाएगा 100, तो ये आपका रहेगा 75 प्लस 100 अपॉन 100, तो इक्वल्स टू रहेगा आपका 75 प्लस 100 कितना होगा 175, तो दिस वन इज 175 अपॉन 100, तो ये लिख लेगा मेरे पास 1.75। तो वैल्यू क्या है मेरे पास रूट बी अपॉन बी प्राइम की वैल्यू है 1.75। अब मैं करूँगा स्क्वायर, अगर स्क्वायर करूँ तो बी अपॉन बी प्राइम की वैल्यू आएगा 1.75 का होल स्क्वायर, ओके तो बी की वैल्यू क्या रहेगा बी इक्वल्स टू 1.75 का होल स्क्वायर इंटू बी प्राइम, और बी प्राइम मीन्स फास्ट रोटेशन के ऊपर बी प्राइम की वैल्यू आपको 20 गिवन है, ये रहेगी आपकी बी प्राइम की वैल्यू 20 यहाँ पे रहेगी, दिस वन इज इंटू, ओके तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1.75 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, पहले स्क्वायर चाहिए तो वो देख लेते हैं 1.75 मल्टीप्लाइड 1.75 वो हो रहा है मेरे पास 3.062 मल्टीप्लाइड बाय ये रहेगा आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो वो आ गया मेरे पास 60.25, ओके तो बी यानी कि नॉर्मली स्लो रोटेशन पे बी की वैल्यू कितनी आएगी 60.25 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है आपके एट स्लो रोटेशन रोटेशनल कांस्टेंट इज उसके ऊपर क्या था आपका रोटेशनल कांस्टेंट बी आपका कितना रहेगा 61.25 सेंटीमीटर इनवर्स, और फास्ट रोटेशन के ऊपर बी प्राइम की वैल्यू कितनी थी वो थी 20। तो देखिए बी टू बी प्राइम में कितना डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला, ओके अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर वो है एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देख लेते इसको भी एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो जो चीज़ फाइंड आउट कर सकते किसी मॉलिक्यूल के लिए वही पॉइंट हमने यहाँ पे राइट डाउन किए। पहला चीज टू फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बाय कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम बॉन्ड लेंथ भी फाइंड कर सकते किसी भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आई क्या रहता है आपके पास आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो मैं बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास आई अपॉन न्यू और इसका अंडर रूट। दूसरा पॉइंट इसमें है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोटॉप, जैसा कि आइसोटॉपिक सब स्टिट्यूएंट वाले पॉइंट से हम एक एटम को दूसरे आइसोटॉप से रिप्लेस करते थे तो उसके लिए हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट अलग आता था, तो उसकी फॉर्मूले के हेल्प से मैं आइसोटॉप की मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओके थर्ड जो अपना एप्लीकेशन इसमें रहेगा डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट आपका दिस म्यू ये डाइपोल मोमेंट का यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशनल या माइक्रोवेव एक्टिव क्यों कब रहेगा
जब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास नहीं है ये, डाइपोल मोमेंट वाला यू है। फोर्थ, बाय यूजिंग नॉन रिजिड रोटर, नॉन रिजिड रोटर मॉडल वी कैन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली फोर्स कॉन्स्टेंट, के की वैल्यू भी हम और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते थे, और जो इसके अंदर एट द पॉइंट ऑफ फिजिकल क्वेश्चन जो बनता है आपसे, बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपसे कई बार पूछ सकता है, आपके पास आइसोटॉपिक सब स्टेटमेंट वाले फार्मूला से कुछ वैल्यूज पूछ सकता है, मीन्स आइसोटॉप के मास पूछ सकता है, म्यू पूछ सकता है आपके पास, आई पूछ सकता है आपके पास, न्यू बार पूछ सकता है आपके पास, ओके फिर एनर्जी पूछ सकता है, ई जे डेल्टा ई पूछ सकता है, तो ये सारे कैलकुलेशन भी हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा से किसी मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने आज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा किया है। नाइन्थ पॉइंट हमारे पास था नॉन रिजिड रोटर मॉडल, और उससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर सॉल्व किए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास रहेगा उसके अंदर हम प्योरली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।